हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूँ राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल जे आर ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने मैथ्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूँ, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 9th स्टैंडर्ड के लिए मैथ्स सब्जेक्ट का जो पार्ट 1 होता है, यानी कि एलजेब्रा सब्जेक्ट का, जो हमने चैप्टर नंबर 3 की शुरुआत की थी, काफी दिनों से हमारा चल रहा था, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 3 पॉलिनोमियल्स। आज इसका लेक्चर नंबर 5 लेकर आ गया। बहुत दिनों से हमने स्टार्ट किया हुआ चैप्टर, काफी बड़ा चैप्टर है, तो इसको टाइम भी लगेगा इसको कंप्लीट करने में, तो आपको कोई चिंता नहीं करना है, हम लोग धीरे धीरे से कराएंगे, लेकिन आप लोग को टोटल कंसेप्चुअल नॉलेज देने वाले दोस्तों, जो आपको कहीं और नहीं मिलने वाला है, जो इस चैनल पे मिलता है दोस्तों। धीरे धीरे पढ़ते हैं, लेकिन एकदम डीप में पढ़ते हैं, ताकि आपको हर एक ईच एंड एवरी लेक्चर जो है वर्थ लगे आपको, जो आप 15 से 20 मिनट देते हो हमारे चैनल पे एक लेक्चर वीडियो देखने के लिए, वो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल लगेगा दोस्तों। तो वही हम बात करने वाले दोस्तों। सबसे पहले आज का जो लेक्चर नंबर 5 है, इसमें मैं आपको बता दूं कि आज जो सबसे पहला टॉपिक जो पढ़ने वाले, वो हम लोग पढ़ने वाले डिवीजन के बारे में। इसके पहले जो लेक्चर नंबर 4 हुआ था, उसमें आपको याद होगा कि मैंने किस तरह से पॉलिनोमियल्स के केस में एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना और मल्टीप्लीकेशन करना मैंने आपको सिखाया था। आज एक टॉपिक रह गया था उस दिन, तो आज मैं वो लेके आ गया हूं कि हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से पॉलिनोमियल के केस में हम डिवीजन करते हैं, एंड डिवीजन करने के तुरंत बाद हम जाएंगे सीधा सीधा हमारे प्रैक्टिस सेट की तरफ, जिसका नाम है प्रैक्टिस सेट नंबर 3.2। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, जो अब तक हमने पढ़ा हुआ है उसके बेस पे हम लोग कुछ एग्जांपल्स जो है उसको सॉल्व करेंगे, एंड ये प्रैक्टिस सेट को भी आज ही खत्म करेंगे दोस्तों। बिल्कुल वीडियो को स्किप मत करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का सेशन होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ओके, तो सबसे पहला चीज मैं आपको बता दूं कि डिवीजन किस तरह से करते हैं। आपके बुक में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, डायरेक्टली वो क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके बताऊंगा, ताकि आप लोगों को डायरेक्टली समझ में आ जाए। तो क्वेश्चन ये बोला है कि डिवाइड करो, किसको डिवाइड करो, यहाँ पे क्वेश्चन में लिख के दिखा देता हूं कि डिवाइड, ऐसा क्लियरली बोल के रखा है, डिवाइड करना है आपको 2 + 2x2, ठीक है ना, 2 + 2x2 को डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, डिवाइड करने बोला है इसको, किससे डिवाइड करना है, x + 2 से डिवाइड करना है। ऐसा आपने शायद पहले भी किया होगा, आपको याद होगा कि हमने 8th स्टैंडर्ड में भी ऐसे कुछ टाइप का किया था, जिसको हम लोग डिवीजन बोलते हैं। तो नॉर्मली आपको क्या करना है, ये जो पॉलिनोमियल आपका 2 + 2x2 को डिवाइड करना है x + 2 के साथ। तो अभी इसको किस तरह से डिवाइड करते हैं, सबसे पहला सवाल ये उठता है। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन है, मतलब मेन जो है आपका, दैट इज डिविडेंड जिसको बोलते हैं, तो डिविडेंड को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है। अगर पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया है तो सबसे पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाओ, ठीक है। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे कि स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, वी नो दैट कि हम लोग का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, वो पहले जो आपके पावर्स होते हैं उसको प्रॉपरली अरेंज करना होता है, जो बीच में मिसिंग होता है उसको जीरो के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो हम लोग लिख देते हैं सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है ना। किस तरह लिखते हैं आप देखो, यहाँ पे ध्यान से आपको याद आ जाएगा कि यहाँ पे 2 + 2x2 लिखा हुआ है, 2 + 2x2, लेकिन हमको पता है हमने स्टार्ट कैसे करना होता है, हमें जो सबसे बड़ा पावर है उसको सबसे पहले लिखना होता है। तो आप देखोगे सबसे पहला क्या लिखेंगे हम लोग, 2x2 को पहले लिखेंगे, एंड उसके बाद देखोगे तो 2x2 लिखा है, मतलब 2 का पावर है। अब 2 के पावर के बाद 1 का पावर होना चाहिए, तो यहाँ पे 1 का पावर जो है मिसिंग है, यानी कि जो x है वो मिसिंग है, तो यहाँ पे हम लोग को उसको ऐड करना होगा 0 के साथ, मतलब 0x। तो हमने उसको ऐड कर दिया, 0x लिख दिया, और ये 0x रहे चाहे नहीं रहे उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम लोग को स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना था, इसके लिए हमने 0x के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो 2x2 के बाद लिख दिया 0x, बाद में कुछ नहीं होता, सीधा नंबर होता है, जो भी नंबर लिया लिख दो, +2। तो 2x2 + 0x + 2, ये हमारा क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब हमें ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसको यूज करना है, और ये x + 2 से डिवाइड करना है। सेम डिवाइड किस तरह करते हैं हम लोग, अगेन एक डिवीजन का ऐसा सिंबल होता है, अगेन लिख दिया, ये सिंबल लिख दो, एंड जो भी आपका डिविडेंड होता है, डिविडेंड अंदर होता है कभी भी, तो ये डिविडेंड है आपका, जो आपका क्वेश्चन है, तो जो कि 2x2 + 0x + 2, ये आपने लिख दिया अंदर। किससे डिवाइड करना है, डिविजर क्या है आपका, x + 2 आपका डिविजर है, तो x + 2 आपने लिख दिया। अब इसको डिवाइड करते हैं, तो सबसे पहले आपको करना क्या होता है, आपको ध्यान में आ रहा होगा क्योंकि आपने पहले भी ये चीज किया हुआ है, बस आपको रिकॉल करने के लिए बोला है कि आपका जो पहला नंबर होता है वो पहले नंबर के साथ ऐसा आपको चूज करना पड़ता है नंबर की, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2x² है। आप देखोगे सबसे पहला नंबर यहाँ पे एक्स है, तो एक्स के साथ ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं, यहाँ पे ऐसा क्या लिखूं कि ये दोनों जब मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 2x² है। तो एक्स पहले से ही है, तो एक्स पहले से ही, यानी कि अगर मैं 2x के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो 2x और एक्स मिलकर क्या हो जाएंगे, 2x² बन जाएंगे। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, एक्स मल्टीप्लाई बाय 2x, तो एक्स मल्टीप्लाई बाय जब 2x करूंगा तो एक्स और 2x मिलकर क्या बन जाएंगे, ये 2x² बन जाएंगे दोस्तों, एंड साथ में 2 भी है उसके, तो ये जो 2 है और ये 2 और 2x मिलकर क्या बन जाएंगे, 4x बन जाएंगे। तो 2 × 2x = 4x, तो मतलब +4x आपने लिख लिया। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, हमेशा माइनस करते हैं, वी नो दैट हमेशा हम माइनस करते हैं, तो ये प्लस और ये माइनस ये क्या हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, या बचा 0, कुछ नहीं बता, हम लोग को लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे आप देखोगे ये 0x + 4x क्या हो जाता है, यहाँ पे डायरेक्टली 4x हो जाएगा, ठीक है ना, ये 4x हो गया, और यहाँ पे +2 लिखा हुआ है ऑलरेडी, उसको हम लोग ने नीचे उतार दिया, तो ये 2 को नीचे उतार देंगे तो 4x + 2 बच गया। अब यहाँ पे आप देखो कि ऐसा मैं x के साथ क्या मल्टीप्लाई करूं कि ये 4x है, तो x पहले से ही है, फिर से अब 4x बनाना है, तो मतलब मैं क्या करूंगा, +4 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा +4, तो 4 × x = 4x हो गया अगेन,
ठीक है, और यहाँ पे 2 पहले से ही, तो ये प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय प्लस 4 यानी कि प्लस 8 हो जाएगा। तो प्लस 8 लिख दिया, हम क्या करते हैं इसको माइनस करते हैं फिर से, तो यहाँ पे 4x कैंसिल हो गया, यहाँ पे 0 बच गया, और यहाँ पे 2 प्लस 8 कितना हो जाएगा, प्लस 10 हो जाएगा। तो हमारा आंसर यहाँ पे खत्म होता है, लास्ट में एक रिमाइंडर मिल गया ना 10, इसको तो मैं कुछ नहीं कर सकता अभी, ठीक है। तो रिमाइंडर 10 मिल गया, तो अब हमें लास्ट में क्या करना होता है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है हमारा, जो कि हमें पता है कि डिविडेंड जो होता है आपका, डिविडेंड इज इक्वल टू कोशेंट जो आपका होता है, कोशेंट मानी ये कोशेंट होता है आपका, ठीक है ना, कोशेंट होता है, ये आपका क्या होता है डिविजर होता है, ठीक है ना, डिविजर, ठीक है, और ये आपका क्या होता है रिमाइंडर होता है आर, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं आर, ठीक है ना, ये डिविजर है, ये कोशेंट है, ठीक है ना, और ये जो आपका अंदर होता है उसको हम लोग डिविडेंट बोलते हैं, आपको तो ये पता ही होगा डिविडेंट, ठीक है ना। तो ये आपका जो डिविडेंट है, तो डिविडेंट विल बी इक्वल टू कोशेंट मल्टीप्लाई बाय क्या होता है डिविजर, ठीक है ना, कोशेंट मल्टीप्लाई बाय डिविजर प्लस रिमाइंडर होता है, तो उसके फॉर्म में हम लोग को लिखना होता है। आपको क्वेश्चन भी एग्जाम में ऐसे ही पूछेगा कि आपको डिवाइड करना है, और डिवाइड करने के बाद आपको इसके फॉर्म में लिखना है। तो डिविडेंड हमें पता है, डिविडेंड क्या है हमारे लिए, क्वेश्चन क्या है हमारे लिए, मेन क्वेश्चन ये था, तो 2 + 2x² ये हमारा डिविडेंड था, इक्वल टू क्वेश्चन हमारा क्या आया, दैट इज 2x + 4 मल्टीप्लाई बाय, ये हमारा क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई बाय डिविजर, डिविजर क्या लिया था हमने x + 2 लिया था, मल्टीप्लाई बाय x + 2, बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन भी डाल दो, एंड प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना आया 10, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। यहाँ पे ऐसा करके इसको खत्म कर देना है, इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं इसको डिवाइड करते हैं। मुझे लगता है आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया, क्योंकि काफी सिंपल है और आपने पहले भी ये चीज किया हुआ है दोस्तों, अगर आपको याद होगा ये चीज हमने ऑलरेडी 8th स्टैंडर्ड में सीखा हुआ है, बस आपको यही चीज रिमाइंडर के तौर पे दिया हुआ था, लेट्स रिकॉल करके टॉपिक है आपका, पेज नंबर 42 पे देखोगे तो वैसे ही दिया था, क्योंकि यही चीज सेम आपके प्रैक्टिस सेट में पूछा हुआ है, हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। अब मैं क्या करता हूं, ये चीज तो आपको समझ में आ गया किस तरह से हमने डिवाइड किया उसको, एंड डिवाइड करने के बाद किस तरह हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी कि डिविडेंड इज इक्वल टू क्वेश्चन मल्टीप्लाई बाय डिविजर प्लस रिमाइंडर के फॉर्म में इसको लिख लिया। अब हम सीधा जंप करते हैं हमारे प्रैक्टिस सेट की तरफ। जैसा मैंने आपको बताया था कि प्रैक्टिस सेट जो है आपका, प्रैक्टिस सेट 3.2, उसको हम लोग क्या करते हैं फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा दोस्तों, सबसे पहले बोर्ड को रफ करना पड़ेगा, तो लेट्स रफ दिस बोर्ड फास्ट, एंड सीधा सीधा हम हेडिंग डाल देंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 3.2। ओके, तो फटाफट से इसको रफ कर लेते हैं। जो प्रैक्टिस सेट है हमारा बहुत ज्यादा सिंपल है, इसमें हर एक टाइप के एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जो कि हमने इसके पहले के लेक्चर में सीखा है और आज के लेक्चर में सीखा है, दोनों को मिला के जो भी हमने एग्जाम्पल सीखे हुए अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर, उसी का हम लोग ये प्रैक्टिस सेट जो है वो सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, सबसे पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं, क्या नाम है, प्रैक्टिस सेट नंबर 3.2, प्रैक्टिस सेट नंबर 3.2 डाल दिया हमने हेडिंग दोस्तों, एंड सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो लेने जा रहे हैं हम लोग। तो क्वेश्चन आप देखोगे, जैसे कि आपको पता है कि मैं क्वेश्चन डायरेक्टली पूरा पूरा लिख के नहीं दिखाता हूं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े दिए होते हैं, तो आपको पेज नंबर मैं बता देता हूं, पेज नंबर 43 आपके टेक्सटबुक में आप देखोगे, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट 3.2 का, जो कि बहुत बड़ा क्वेश्चन बोला है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है लेकिन बहुत मजेदार भी है, उतना ही मजेदार है। जैसे कि आप देखोगे, यूज द गिवन लेटर्स टू राइट द आंसर, मतलब आपको कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है और आपको लेटर्स उसमें दिए हुए हैं, और वो लेटर्स का इस्तेमाल करके आपको वो आंसर लिखना है। क्या बोला है सबसे पहला क्वेश्चन उसमें, क्वेश्चन नंबर 1 का 1, ठीक है ना, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का 1 लिखने जा रहा हूं मैं, यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूं क्वेश्चन नंबर 1 का 1। तो क्या क्वेश्चन है, देयर आर ए ट्रीज, मतलब ए नाम का ट्रीज है, बहुत सारे ट्रीज है ए के, तो ए ट्रीज है हमारा, देयर आर ए ट्रीज इन द विलेज, ठीक है ना, कोई विलेज है उसमें ए ट्रीज है, इफ द नंबर ऑफ ट्रीज इंक्रीजेस एवरी ईयर बाय बी, मतलब हर साल क्या करते हैं वो जो जितने भी एट नाम के ए जो ट्री है ना उसमें ना बहुत सारे बी ट्रीज जो है हर साल ऐड होते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जो ए मेरा पहले से ही ट्री था उसमें मतलब हर साल बी ऐड हो रहे, मतलब ए प्लस बी हो गया, हर साल बी ऐड हो रहे। और साथ ही में क्या बोला है, हाउ मेनी ट्रीज विल बी आफ्टर 4 ईयर, आफ्टर एक्स ईयर, एक्स ईयर के बाद कितना रहेगा, तो जितना भी बढ़ेगा मतलब बी जो ऐड हो रहे थे वो एक्स के साथ बढ़ेगा, मतलब हर ईयर के साथ बढ़ेगा, यानी बी मल्टीप्लाई बाय एक्स करना पड़ेगा, तो ए प्लस बी एक्स आपका आंसर हो गया। यही करना है, कितना सिंपल है, बस आपको सोचना है लॉजिकली कि ए पहले से ही बहुत सारे ट्री थे और हर साल बी जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन कितने साल में बढ़ेंगे, एक्स ईयर में बढ़ते जा रहे हैं, तो बी मल्टीप्लाई बाय एक्स, जितने साल भी बढ़ेंगे बी बढ़ रहे हैं तो बी मल्टीप्लाई बाय एक्स, और उसको प्लस कर देंगे हम लोग ए के साथ, तो ए प्लस बी एक्स हमारा आंसर हो जाएगा पहले के कंडीशन के लिए। तो फर्स्ट का आंसर ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन नंबर 1 का वैसे ही सेकंड है, अगेन आपको स्टेटमेंट वाला थ्योरी दिया है, बोला है फॉर द परेड देयर आर वाई स्टूडेंट इन ईच रो, मतलब एक परेड हो रहा है वहां पे हर रो में, रो आपको पता है रोज लगाते हैं हम लोग खड़े होने के लिए, परेड आप करते होंगे अपने स्कूल में, तो वाई स्टूडेंट एक रो में खड़े है एंड ऐसे ही एक्स रोस आर फॉर्म है, तो सबसे पहले बात तो यही होता है कि वाई रो है, ठीक है ना, वाई रो है एंड वाई रो नहीं है, वाई स्टूडेंट्स खड़े हैं एक रो में और ऐसे कितने रो है, टोटल एक्स रो है, तो वाई मल्टीप्लाई बाय एक्स हो जाएंगे, करेक्ट है, हमें पूछा है वही है कि कितने स्टूडेंट्स पूरे परेड में है, तो वाई मल्टीप्लाई बाय एक्स, तो मतलब क्या हो जाएगा, एक्स वाई,
तो इसका आंसर आ गया एक्स वाई। तो हम लोग ने इसका भी स्टेटमेंट जो है वो हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी कि जो आपका अल्फाबेट दिया था उसके फॉर्म में हमने लिख लिया। बहुत इजी होता है। वैसे जो थर्ड है ये आप लोगों के लिए मैं होमवर्क दे रहा हूं कि आप लोग को अगेन ये स्टेटमेंट को रीड करना है। द टेंस एंड द यूनिट प्लेस ऑफ ए टू डिजिट नंबर इज एमएन एन रिस्पेक्टिवली राइट द पॉलिनोमियल व्हिच रिप्रेजेंट टू डिजिट नंबर। तो क्वेश्चन नंबर थ्री जो है क्वेश्चन नंबर वन का एग्जाम्पल नंबर थ्री है, ये आप लोग को बनाना है कि क्या आ जाएगा। जिस तरह हमने ए प्लस बी एक्स बनाया, एक्स वाई बनाया, वैसे आपको बनाना है। बहुत सिंपल है, कोशिश करो दोस्तों बनाने की। नहीं आएगा तो पूछो हमें कमेंट बॉक्स में, हम लोग उसका रिप्लाई जो है दोस्तों जरूर से देंगे। आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना है। ओके, तो हम लोग शुरुआत करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर टू की, जो कि हमारा अभी से एक्चुअल जो हमारा टॉपिक है वो शुरू होगा, यानी कि प्रैक्टिस सेट का सॉल्व करना शुरू होगा दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे कि क्वेश्चन नंबर वन तो हमने कर लिया, बहुत सिंपल था, उसको स्टेटमेंट के फॉर्म में हमने बना लिया। लेकिन क्वेश्चन नंबर टू क्या बोला है, एड द फॉलोइंग, मतलब जो आपने पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं, जैसे कि मैंने इसके पहले का जो लेक्चर नंबर फोर लिया था उसमें मैंने आपको बताया किस तरह एड करते, सब्ट्रैक्ट करते, मल्टीप्लीकेशन करते, तो उसी के बेस पे कुछ एग्जांपल्स है। तो सीधा सीधा हेडिंग डाल लेते हैं, प्रैक्टिस सेट 3.2 का सेकंड एग्जांपल है, मतलब क्वेश्चन नंबर टू है। अभी जो क्वेश्चन नंबर टू है इसमें टोटल तीन एग्जांपल है, लेकिन क्वेश्चन नंबर टू का नाम जो दिया है वो एड द गिवन पॉलिनोमियल है, एड करना है आपको, मैंने हेडिंग डाल दिया एड करना है। तो क्वेश्चन नंबर टू का सबसे पहला एग्जांपल, एक ही एग्जांपल कराऊंगा हर एक एक एग्जांपल, क्योंकि ऑलरेडी आपने बहुत सारे एग्जांपल्स किया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर टू एट द गिवन पॉलिनोमियल का सबसे पहला जो एग्जांपल है वो है x³ - 2x² - 9, ठीक है ना, x³ - 2x² - 9, ये आपका पहला पॉलिनोमियल है और उसको ऐड करना है आपको दूसरे पॉलिनोमियल के साथ, जो कि है 5x³ + 2x + 9। तो 5x³ + 2x + 9, ये दो पॉलिनोमियल है, इसको आपको ऐड करना है। तो वी नो दैट हम किस तरह से ऐड करते हैं, हमको पता है अच्छे से। क्या करते हैं हम लोग, दोनों को यहाँ पे ऐड करते हैं, सीधा सीधा सिंप्लीफिकेशन के फॉर्म में लिख देंगे। तो सबसे पहला पॉलिनोमियल ले लो, क्या दिया हुआ है, x³ - 2x² - -9 दिया है। ये पहला पॉलिनोमियल है, उसको ऐड करना है दूसरे वाले के साथ। तो प्लस डाल दो बीच में, मतलब ऐड करना है। तो अगला क्या है, 5x² + 2x + 9, ये है आपका करेक्ट है। अब इसको सॉल्व कर लो, तो x³ और ये 5x³, अब जो जो सेम सेम टर्म वाले हैं उसको एक साथ लिख दो, तो ये x³ और ये 5x³, ये दोनों को एक साथ लिख देता हूं, तो क्या हो जाएगा, x³ + 5x³, करेक्ट है, ये आ गया साथ में, हो गया। फिर आप देखोगे जो स्क्वायर वाले टर्म है उसको साथ में ले लो, तो ये स्क्वायर वाले टर्म दिख रहे हैं आपको, ये -2x² साथ में ले लिया। फिर अगेन स्क्वायर वाले कुछ टर्म है कि नहीं है, फिर x वाले टर्म ले लो, तो बाद में है +2x है, एंड फिर बाद में जो नंबर वाले टर्म है ये हो गया, ये हो गया। अब नंबर वाले टर्म क्या बचे, -9 बचा है या फिर +9 बचा है, तो आप देखोगे ये -9 और +9 क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो यही हमारा आंसर रहेगा। आगे इसको सिंप्लीफाई करके लिख दो कि ये x³ + 5x³ कितना हो जाएंगे, 6x³ हो जाएंगे, 1x³ + 5x³, मतलब 1 और 5 कितने होते, 6 होते, तो 6x³ बन गया, ये बन गया 6x³। फिर ये -2x² है, ठीक है, और अगेन +2x है, यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं कर सकते, मतलब खत्म हो गया। तो इस तरह से हम लोग ने इसको ऐड कर लिया, आपका जो भी दिया हुआ इक्वेशन था, यानी कि जो पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ था हमने ऐड कर लिया, और हमारा आंसर जो आया प्लस करके वो आ गया 6x³ - 2x² + 2x। उम्मीद करता हूं कि बड़ी आसानी से आप लोग को ये चीज समझ में आ गई होगी। एंड जो रिमेनिंग एग्जाम्पल्स है, जैसा कि आप देख सकते हो कि जो आपका एट द गिवन पॉलिनोमियल जो सेकंड क्वेश्चन, इसमें टोटल तीन ऐसे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, तो मैंने पहला एग्जांपल करा दिया, बचे हुए दो एग्जांपल्स आप लोग के लिए होमवर्क है, बस आपको सिंपली ऐड करना है। एंड जरूर से लगता है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग बड़ी आसानी से इसको सॉल्व कर पाओगे और ऐड कर लोगे, ठीक है। तो जरूर से इसको होमवर्क में कर लेना दोस्तों, आप लोग के लिए होमवर्क है। अब सीधा मैं जंप करता हूं क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर थ्री में आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर टू में ऐड किया वैसे क्वेश्चन नंबर थ्री में हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना है। तो उसका भी एक एग्जांपल मैं आपको करा देता हूं, बाकी का एग्जांपल आपको क्वेश्चन में रिमेनिंग जो है वो होमवर्क में दे दूंगा, ठीक है। तो हेडिंग डाल लेते हैं, जो कि हमारा थर्ड क्वेश्चन जो है, हेडिंग है हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री, ठीक है, क्वेश्चन नंबर थ्री ऑफ दिस प्रैक्टिस सेट, जो कि है सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। तो सब्ट्रैक्ट करना है अगेन, तो हेडिंग डाल लेते हैं सब्ट्रैक्ट, मतलब क्या होता है सब्ट्रैक्ट का, माइनस करना होता है, ठीक है। तो सबसे पहला एग्जांपल लेंगे अगेन क्वेश्चन नंबर थ्री का, सब्ट्रैक्ट का सबसे पहला एग्जांपल जो कि दिया हुआ है x² - 9x, ठीक है ना, x² - 9x + √3, ये हमारा पहला पॉलिनोमियल है। उसको किसके साथ सब्ट्रैक्ट करना है आप देखोगे, जो कि है -19x, तो -19x ले लिया, उसके बाद है +√3 एंड अगेन +7x² ये आपके कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं यहाँ पे। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट भी किस तरह करते हैं हम लोग को पता है, क्या करना होता है, बस जो भी आपके पॉलिनोमियल से उसके बीच में आप माइनस का साइन यूज करते हैं और उसको आगे प्लस करते हैं, सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। तो सबसे पहले इक्वेशन लिख लो आप, क्या है ये, x² - 9x + √3, ये आपका सबसे पहला पॉलिनोमियल है, उसको क्या करना है, माइनस करना है सेकंड वाले पॉलिनोमियल से, तो बीच में क्या आ जाएगा, माइनस का सिंबल आ जाएगा। तो अगर ये माइनस का सिंबल आया और ये जो इक्वेशन, इसको लिख दो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि माइनस आगे लिखा हुआ है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे अगेन, -19x जो है ये आपका जो भी पॉलिनोमियल है उसको वैसे का वैसे लिख दो, +√3 + 7x². अब इसको हम लोग अगले स्टेप में प्रॉपरली सॉल्व करते हैं। तो आप देखोगे क्या कर सकते हैं हम लोग, ये x² है, -9x है,
प्लस रूट थ्री, इसको हम लोग वैसे के वैसे ही रखे, एंड ये माइनस के वजह से जो अंदर के जो इक्वेशन है उसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा दोस्तों, वी नो दैट। तो हमें क्या करना होता है, ये माइनस मिलकर क्या हो जाएंगे, प्लस आपका हो गया 19x हो गया, ये माइनस और ये प्लस मिलकर माइनस हो गया तो माइनस रूट थ्री हो गया, एंड ये माइनस और ये प्लस मिलकर ये अगेन माइनस हो गया तो माइनस 7x स्क्वायर हो गया। अब देखो कुछ कैंसल आउट होता है क्या, कुछ कॉमन टर्म है क्या, वो निकाल लो। तो आप देखोगे ये प्लस रूट थ्री है, ये माइनस रूट थ्री, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे। तो प्लस रूट थ्री माइनस रूट थ्री कैंसल हो गए। अब सिमिलर कौन कौन सा दिख रहा है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ये एक्स माइनस सेवन एक्स स्क्वायर है, तो हम लोग इसको एक साथ लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स स्क्वायर, मैंने इसको एक साथ लिख दिया। फिर एक्स एक्स वाले को एक साथ लिख दो, तो ये माइनस नाइन एक्स और ये प्लस नाइनटीन एक्स, तो इसको एक साथ लिख देते हैं माइनस नाइन एक्स प्लस नाइनटीन एक्स। और कुछ बच रहा है क्या दोस्तों, नहीं बच रहा है, तो हमने सब लिख लिया। अब लास्ट में इसको सिंप्लीफाई कर दो एंड सॉल्व कर दो, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक एक्स में से एक एक्स स्क्वायर में से सात एक्स स्क्वायर गया तो कितना बचेगा, माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर बचेगा, तो ये हो जाएगा माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर, और ये माइनस नाइन एक्स प्लस नाइनटीन एक्स कितना बचेगा, प्लस टेन एक्स बचेगा, और इसके आगे कुछ नहीं कर सकते, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो जो हमें क्वेश्चन पूछा था कि इसको दोनों को ऐड करके दिखाओ, आई मीन टू से सब्ट्रैक्ट करके दिखाओ, सब्ट्रैक्शन पूछा था आपको, माइनस करने पूछा था, तो आपने बहुत आसानी से इसको माइनस कर दिया, डायरेक्टली आपका आंसर आ गया माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस टेन एक्स। एंड उम्मीद करता हूं कि ये भी क्वेश्चन जो है आपको बड़ी आसानी से समझ में आ गया, बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया, काफी ईजी है दोस्तों, इसमें नया कुछ भी नहीं है। ऑलरेडी हमने लेक्चर नंबर फोर जो किया था, इसके पहले वाला लेक्चर, उसमें भी माइनस करना बहुत आसानी से सीखा था, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये चीज जो है आसानी से समझ में आ गया होगा। अब इसके ऊपर एक और एग्जांपल है, यानी कि जो आपका क्वेश्चन नंबर थ्री सब्ट्रैक्शन जो है, इसी में एक और एग्जांपल है। पहला एग्जांपल, एग्जांपल नंबर वन तो मैंने करा दिया, सेकंड एग्जांपल जो है इसका, ये आप लोगों के लिए होमवर्क दे रहा हूं, तो जरूर से वो सब्ट्रैक्शन जो है आसानी से आप लोग कर लोगे, उम्मीद करता हूं, तो होमवर्क जरूर से कर लेना आप लोग। अब सीधा हम जंप करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ, जो कि है मल्टीप्लीकेशन करना। तो बहुत ईजी है मल्टीप्लीकेशन करना दोस्तों, मैंने आपको ऑलरेडी जो लेक्चर नंबर फोर है उसमें बताया भी है कि कैसे किस तरह से हम लोग लेक्चर जो मल्टीप्लीकेशन है वो सॉल्व करते हैं। तो इसको मैं क्या करता हूँ, रफ कर लेता हूँ पहले, एंड सीधा हम लोग जंप करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर फोर, जो कि हम लोग को बोला है क्या करने के लिए बोला है दोस्तों, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन जो होता है वो सबसे ईजी होता है करना, मीन होता है कि कोई भी पॉलिनोमियल दिया होता है उसको मल्टीप्लाई करना बहुत ईजी होता है। तो हेडिंग डाल लेते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर फोर, जिसका नाम है मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई द गिवन पॉलिनोमियल, आपको जो भी पॉलिनोमियल दिया है उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहला एग्जांपल लेने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर फोर का मल्टीप्लीकेशन का, इसमें भी टोटल तीन एग्जांपल है, तो एक ही एग्जांपल में कराऊंगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, 2x आपका एक नंबर है, एक पॉलिनोमियल है, 2x को मल्टीप्लाई करना है दूसरे वाले के साथ, जो कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 और 2x को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई किस तरह करते हैं, वी नो दैट कि जो भी पहला पॉलिनोमियल है उसको लिख दिया, मल्टीप्लाई लिख दिया बीच में, और दूसरे पॉलिनोमियल के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, ठीक है ना, ब्रैकेट में लेके। तो 2x पहला एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2x मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट 2x क्यूब हो गया, ठीक है ना, ये 2x मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, ये 2x क्यूब हो गया, फिर बीच में माइनस है तो माइनस आ गया, फिर ये 2x जो है ये 2x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, और x मल्टीप्लाई बाय एक्स इज एक्स स्क्वायर, यानी कि 4 माइनस 4 एक्स स्क्वायर हो गया। एंड लास्ट में आप देखोगे तो अगेन माइनस का साइन है तो माइनस डाल दिया, ये 2x मल्टीप्लाई बाय 1 होगा तो ये अगेन 2x ही आएगा, और इसके आगे आप कुछ नहीं कर सकते, ये हो गया आपका मल्टीप्लीकेशन। एंड यहाँ पे होता है खत्म कि आपका जो 2x मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 जो है, इसका जो आंसर आ रहा है दोस्तों वो आ रहा है 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 2x। कितना सिंपल था दोस्तों, 10 गिना आपने 10 सेकंड, यानी कि 10 गिनते गिनते आपका जो आंसर है वो आ जाएगा, और आपको एक मार्क्स आसानी से देखे जाएगा, जो कि आपके एग्जाम में अगर ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे तो, ठीक है ना, और लगभग ऐसे टाइप के क्वेश्चन ही पूछा जाता है। एंड रिमेनिंग जो दो एग्जाम्पल है, जैसा मैंने बोला क्वेश्चन नंबर फोर जो मल्टीप्लाई है इसमें मैंने पहला एग्जाम्पल कराया, तो वैसे दो और एग्जाम्पल है, तो जरूर से आप लोग को ये होमवर्क करना है, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ ये वाला, दो चीज बहुत सारे ऑलरेडी इसके पहले भी दे चुका हूं, एंड ये भी आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो जरूर से कर लेना दोस्तों, निराश मत करना बिल्कुल। एंड जैसे ही आपका आंसर आता है, करेक्ट आता है, तो प्लीज हमें कमेंट करके बताएगा कि हाँ हमारा आंसर जो है हमने किया और बहुत अच्छे से किया, और कमेंट करके बताना कि आपका आंसर जो है राइट आया कि रॉन्ग आया दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप लोग आराम से कर पाओगे और राइट आंसर निकाल पाओगे। अब लास्ट एग्जाम्पल है, यानी कि लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव, इसको भी हम लोग ले लेते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर फाइव जो है आप लोग का वो है डिवाइड। तो अभी हमने स्टार्टिंग में जो ये लेक्चर का स्टार्टिंग में मैंने आपको डिवाइड करना सिखाया था, सेम उसी तरह से आपको क्या करना है, इसको डिवाइड करना है, और डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजन मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर के फॉर्म में लिखना है। तो हमारा जो हेडिंग डाल लेते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर फाइव जो है क्या करना है, क्वेश्चन नंबर फाइव में अगेन डिवाइड करना है, ठीक है। तो डिवाइड किस तरह करते हैं, मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में ही बता दिया, ये वाले लेक्चर के स्टार्टिंग में। तो सबसे पहला हम लोग क्वेश्चन लेते हैं डिवाइड का, जो कि है आपको बोला है एक्स क्यूब माइनस 64। तो आपका एक क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस 64 को आपको डिवाइड करना है, किसके साथ डिवाइड करना है, एक आपको डिविजर दिया हुआ है एक्स माइनस 4 के साथ, और अगेन इसको हम लोग डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर के फॉर्म में लिखना भी है इसको। तो आपको कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है, आपको सबसे पहले क्वेश्चन देखना है क्या दिया हुआ है, इसको समझने की कोशिश करना है, समझो पहले, क्योंकि आपने अगर क्वेश्चन को समझ लिया तो आधा आंसर वही निकल जाता है फ्रेंड्स, क्योंकि हम लोग के दिमाग में यही चलता है कि हम लोग को किस तरह सॉल्व करना है। तो घबराना नहीं है, बिल्कुल आपको क्वेश्चन को देखना है, डिवाइड दिख गया तो आपको याद आना चाहिए
कि हाँ सर ने ऐसा टाइप का बताया कि किस तरह सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, आपको याद होगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म है कि नहीं वो चेक करते हैं। तो राइट डाउन द स्टैंडर्ड फॉर्म, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको बना लेते हैं। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, सबसे पहले जो क्वेश्चन है हमारा जो कि डिविडेंड है वो दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 64। तो आप देखोगे कि एक्स क्यूब माइनस 64 दिया है, तो इसमें एक्स क्यूब तो दे दिया, तो एक्स स्क्वायर और एक्स का टर्म मिसिंग है, तो हम लोग को जीरो के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे एक्स क्यूब हो गया बराबर, फिर यहाँ पे प्लस जीरो एक्स स्क्वायर मिसिंग था तो लिख दिया, प्लस जीरो एक्स वाला भी मिसिंग था तो लिख दिया जीरो एक्स, एंड लास्ट में है आपका माइनस 64। तो एक्स क्यूब प्लस जीरो एक्स स्क्वायर प्लस जीरो एक्स माइनस 64, ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। अब यही चीज को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे हमारे x माइनस 4 के साथ। तो यहाँ पे अगेन हमको क्या करना होगा, हमारा जो सिंबल है जिस तरह से हम लोग करते हैं उसको बना लो, क्या है एक्स क्यू माइनस जीरो एक्स स्क्वायर प्लस जीरो एक्स माइनस 64, इसको हम लोग को डिवाइड करना है, किसके साथ करना है, हमारा डिविजर क्या है यहाँ पे x माइनस 4, तो x माइनस 4 के साथ डिवाइड कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो किस तरह से डिवाइड करेंगे आप लोग को यहाँ पे बताते हैं। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले यहाँ पे एक्स क्यूब है और यहाँ पे x है, तो ऐसा क्या नंबर से मल्टीप्लाई करूं x को कि x क्यूब आ जाए। तो हम लोग को पता है कि जब मैं एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर क्या हो जाएगा, x क्यूब हो जाएगा, तो हमने लिख दिया x क्यूब, और ये माइनस 4 मल्टीप्लाई x स्क्वायर क्या हो जाएगा, अगेन माइनस 4 x स्क्वायर हो जाएगा, करेक्ट है। माइनस करते हैं हम लोग, लिख दिया यहाँ पे, तो ये x क्यूब, ये x क्यूब क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये जीरो बच गया, ठीक है ना, कैंसिल हो गया यहाँ पे, तो जीरो बच गया, एंड ये माइनस की वजह से, मेन माइनस ये है ना, तो ये माइनस की वजह से ये प्लस हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, प्लस 4x स्क्वायर बचा, करेक्ट है। अब ये 4x स्क्वायर बचा, तो अगला जो नंबर है उसको नीचे लेके आ जाओ, तो ये हो जाएगा प्लस 0x, ये हमने ले लिया, प्लस 0x आ गया। अब आप देखोगे कि प्लस 0x आने के बाद, फिर से यहां पे मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं, ठीक है, हाँ, तो प्लस 0x के बाद आप देखोगे यहां पे कि आपको क्या करना है, 4x स्क्वायर प्लस 0x था, अब आपको फिर से सोचना है कि मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं यहां पे कि ये 4x स्क्वायर आ जाए। तो आपके पास x है पहले से, तो x के साथ अगर मैं 4x को मल्टीप्लाई करूंगा तो 4x मल्टीप्लाई बाय x 4x स्क्वायर आएगा, तो अगेन x के साथ मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगा, 4x मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब प्लस 4x मल्टीप्लाई किया मैंने, तो क्या आया मुझे, आ गया 4x स्क्वायर आ गया, और ये माइनस माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना हो जाएगा, माइनस 16x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 16x। अगेन इसको हम माइनस ही करते हैं, बड़ा वाला साइन माइनस का ही आ जाएगा, माइनस करते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा ये 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर ये कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, और ये भी माइनस के वजह से ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो हमारा इधर कितना आंसर आया, प्लस 16x आ गया, ठीक है। अगला नंबर क्या है, 64 है, डाल दो यहाँ पे माइनस 64, ठीक है। अब ये नंबर भी आ गया, तो अगेन आपको सोचना है कि यहाँ पे 16x चाहिए मुझे, तो 16x चाहिए दोस्तों, तो मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा कि 16x आए। तो आप देखोगे अगर ध्यान से दोस्तों कि यहाँ पे x है मेरे पास, और x के साथ में अगर मैं 16 को मल्टीप्लाई करता हूँ तभी तो 16x आ जाएगा, तो x मल्टीप्लाई बाय मुझे मतलब वहां पे क्या लिखना पड़ेगा, प्लस 16 लिखना पड़ेगा, तो x मल्टीप्लाई बाय प्लस 16 करूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा 16x, और यहाँ पे माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 16, तो माइनस 16 मल्टीप्लाई बाय 4 इज माइनस 64, तो यहाँ पे आ गया माइनस 64, अगेन माइनस कर लो तो ये प्लस और माइनस मिलकर ये कैंसिल हो गए, और ये भी यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो फिर से प्लस और माइनस मिलकर कैंसिल हो गया, और लास्ट में बस गया जीरो, तो इसका मतलब हमारा जीरो आ गया, मतलब हमें यहाँ पे स्टॉप कर देना, खत्म हो गया। तो हमारा जो आंसर हमेशा हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि डिविडेंड जो होता है वो इज इक्वल टू होता है डिविजर मल्टीप्लाई बाय एक्स क्यूब है, यही वाला है, कहा गया हमारा जो क्वेश्चन है हमारे लिए डिविडेंड है, तो एक्स क्यूब माइनस 64 इज इक्वल टू क्या है हमारा डिविजर, डिविजर क्या है हमारे लिए एक्स माइनस 4, तो एक्स माइनस 4 ये हो गया मल्टीप्लाई बाय, हमारे लिए क्वेश्चन क्या है हमारे लिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x, इसको मैं नीचे लिखता हूं, हमारा स्पेस कम पड़ रहा है यहाँ पे, तो ये इसको यहाँ पे लिख के दिखाता हूं, ठीक है ना, इज इक्वल टू ये पे क्या हो जाएगा डिविजर क्या है x माइनस 4 डिविजर है मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है हमारा, क्या आया x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 आया, करेक्ट है, ये हमारा क्वेश्चन आ गया, प्लस रिमाइंडर करना है, तो प्लस रिमाइंडर कितना है हमारा, रिमाइंडर जीरो आ गया, तो प्लस जीरो, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर दोस्तों, ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि किस तरह से डिवाइड करते हैं, डिवाइड का प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है बट बिल्कुल सिंपल होता है, ये तो आपको मैंने यहाँ पे बता दिया, क्योंकि दोस्तों क्या होता है मालूम है क्या कि हम लोग डर जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको डरा के रखते हैं, अरे डिवीजन आ गया तो कर नहीं पाया एग्जाम में, बहुत हार्ड होता है, लेकिन कुछ हार्ड नहीं होता है दोस्तों, करने वाले तो करते ही है, जो टॉपर्स होते हैं वो तो करते ही है, एंड आराम से मार्क्स निकालते, फुल मार्क्स भी निकालते, फिर आप सोचते हो यार वो कैसे कर लिया, आप भी कर पाओगे दोस्तों, अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट है तो आप भी कर पाओगे, लेकिन अपने दिमाग पे और अपने आप पे भरोसा रखो, बस 2 मिनट का 4 मिनट लग सकता है, लेकिन आप सॉल्व कर पाओगे, इतना कॉन्फिडेंस रखो, और जैसा मैंने पढ़ाया दोस्तों अगर वैसा आप सॉल्व करोगे तो 100% सॉल्व करके दिखाओगे। इसके लिए मुझे लगता है कि ये चीज आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा, दोबारा देखो नहीं समझे, दोबारा देखो तीसरा देखो नहीं समझे, फिर भी आप कमेंट सेक्शन में डाउट पूछो, इंस्टाग्राम पे डाउट पूछो, मैं आपको जरूर से रिप्लाई दूंगा, लेकिन मुझे लगता है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया है। एंड जो रिमेनिंग एग्जाम्पल है क्वेश्चन नंबर 5 जो हम लोग डिविजन कर रहे हैं, डिवाइड जो कर रहे हैं, उसका रिमेनिंग एग्जाम्पल जो है एग्जाम्पल नंबर 2 और 5th क्वेश्चन, ये आप लोग के लिए होमवर्क है, ऐसे ही डिवाइड करना है, जरूर से करके
करके दिखाना है, कमेंट करके बताना कि आपको ये चीज आया कि नहीं आया। दोस्तों मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा एंड देखूंगा कितने लोग कमेंट करते हैं। एंड सीधा हम जंप करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 5 जो था डिवाइड था, क्वेश्चन नंबर 6 जो है टोटल थ्योरेटिकल है। तो एक क्वेश्चन में आप लोग के लिए अपने हिसाब से होमवर्क दे रहा हूं कि मैं देखना चाहता हूं कि क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बहुत सिंपल है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में थ्योरेटिकल था, उसका हमने इक्वेशन बनाया था, सेम उसी तरह से आपको इसी को इक्वेशन बनाना है और एरिया निकालना है जो भी फॉर्म रहेगा उसका। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये भी कर सकते हो एंड कर पाओगे। एंड प्लीज हमें कमेंट करके बताना कि आपने किया कि नहीं किया फ्रेंड्स, ठीक है। तो आज यही पे हम लोग स्टॉप करते हैं दोस्तों। तो कैसा लगा हमारा आज का लेक्चर वीडियो दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, यूजफुल लगा है थोड़ा भी, तो प्लीज हमें वीडियो को के माध्यम से वीडियो को लाइक करके बताना है दोस्तों। एंड जैसा कि मैंने आपको बोला था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन था हमारा, तो फटाफट से आपको शेयर करना है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो देख नहीं पाते हैं, नोटिफिकेशन कभी कभार नहीं जाता है बिकॉज ऑफ यूट्यूब एल्गोरिथम। तो आपको वो चीज समझना पड़ेगा, अगर आप चीज देख रहे हो तो आपको शेयर भी करना है वो चीज को आगे, क्योंकि आप लोग के भी फ्रेंड्स है, बाय चांस वो लोग नहीं देखा होगा, कुछ काम में बिजी होंगे, नहीं देख पाएगा। तो फटाफट से वीडियो को शेयर करो दोस्तों। तो जो मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको एक ही काम करना है कि वीडियो को देखो, समझ लो, एंड जो प्रैक्टिस सेट मैंने आपको होमवर्क में दिया है यानी कि कुछ रिमेनिंग एग्जांपल्स उसको प्रैक्टिस करो। तो एक ही चीज बोलूंगा कि वीडियो को अगर अच्छा लगा फ्रेंड्स तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोग को, फटाफट से शेयर करो। एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।